गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो प्रोडक्ट्स के रिव्यू। सो विदाउट वेस्टिंग आर मच मोर टाइम लेट्स वॉक इनटू द वीडियो। सो गाइज आज जिन प्रोडक्ट्स का रिव्यू मैं शेयर करने जा रही हूँ वो है मैक का मिनरलाइज फाउंडेशन और हुडा ब्यूटी का प्राइमर। तो जल्दी जल्दी इनका रिव्यू करते हैं। ये मुझे रिसेंटली PR में रिसीव हुए थे तो आई थॉट मैं आपके साथ अच्छे से रिव्यू शेयर करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हुडा ब्यूटी के प्राइमर की। तो ये आपको कार्डबोर्ड बॉक्स रिसीव होता है और साइड में इसका यूज़ भी लिखा हुआ है एंड ये किस में हेल्प करता है ये भी लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं और ये आपको हेल्प करता है आपकी स्किन को स्मूथ करने में एंड जो भी आपके फाइन लाइंस होते हैं या पोर्स होते हैं उसको फिल करने में ये आपकी हेल्प करता है। गाइस अब बात करते हैं इसके अंदर की पैकेजिंग की। तो ये आपको कुछ ब्लैक में रिसीव होती है और ये आपको जेल बेस में रिसीव होता है एंड गाइस आपको ये 40 ml प्रोडक्ट रिसीव होता है। तो या जल्दी जल्दी हम इसे अप्लाई करते हैं अपने पोर्स पर एंड लेट्स टेस्ट इट कि कितना अच्छे से वर्क करता है ये। तो जहाँ जहाँ आपके पोर्स हैं वहाँ आप लगा लीजिए एंड गाइस काफ़ी अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है मेरी स्किन में एंड गाइस मेकअप वर्ल्ड 1 to 19 पर चल रही है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सेल, क्रिसमस सेल, जहाँ आपको हर एक प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा लो प्राइजेस में मिल रहा है। तो जल्दी जल्दी जाकर वहाँ से बाय कीजिए प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा लो प्राइजेस में। एंड गाइस ठंड हो गई थी तो मैंने जैकेट पहन ली बिकॉज अमृतसर में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है सो दैट्स वाई। एंड गाइज अब बात करते हैं मैक के मिनरलाइज फाउंडेशन की। एंड मैक का फाउंडेशन का जो बॉक्स है वो बिल्कुल ब्लैक शेड में है। देन हम बात करते हैं इसकी इनर पैकेजिंग की। तो ये आपको ग्लास बॉटल में रिसीव होता है एंड इसके ऊपर मैट जैसा लुक दिया हुआ है अच्छा। लाइक मैं अगर इसको ऐसे से कर रही हूँ तो इसका जो पेंट है वो उतर नहीं रहा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। एंड गाइज आपको इस बॉटल में 30 ml प्रोडक्ट रिसीव होता है यहाँ पर लिखा हुआ है। सो गाइज ये थोड़ा सा डार्क था मेरी स्किन टोन से बट डोंट वरी हम इसे यूज कर लेंगे। एंड बाय द वे ये भी ब्यूटी ब्लेंडर भी उन्होंने मुझे सेंड किया था तो मैं उससे ब्लेंड कर रही हूँ। सो गाइज ये जो फाउंडेशन है वो मेरी स्किन पर अच्छे से ब्लेंड हो गया है। सो सबसे अच्छी क्वालिटी इसकी ये है कि अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। इसका प्रिंट ना बिल्कुल नहीं मिट रहा। लाइक कुछ फाउंडेशन होते हैं कि ऐसे ऐसे करो और उसका कलर जो है निकल जाता है बट इसको मैं जितना भी रगड़ू ना इसका कलर नहीं निकल रहा। लाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है इससे ही पता लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी से बना है। सो गाइज जो मैंने दोनों प्रोडक्ट्स के रिव्यू शेयर करे हैं वो वर्थ बाइंग प्रोडक्ट्स है। एक बार ही बाय कीजिए आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइज मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।